कराची में ठीक है यार, आप सब मांग रहे थे इंशाल्लाह, उसमें भी मेहनत जारी रहेगी। तायर भाई वेलकम टू कराची। जनाब पहला दिन है कराची में, रात को पहुंचा हूं और आज कराची को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, जितने भी मैंने नाम सुने, भाई की शादी है लेकिन वो रात को है, क्योंकि कराची में लोग रात को जाग रहे होते हैं और दिन को सो रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे इस्लामाबाद से। लेकिन अब जो मैं जा रहा हूँ आप लोग को वो जगह मैं दिखाऊँगा जहाँ पे बिजनेसेस हैं माशाल्लाह रेस्टोरेंट के हवाले से। मैं खुद एज ए स्टूडेंट ट्रेवल करता हूँ, देखना है। और कराची में ठीक है यार, आप सब मांग रहे थे इंशाल्लाह, उसमें भी मेहनत जारी रहेगी। जगह देखते हैं, लोगों से मिलते हैं और आपको भी मिला देते हैं। लेट्स गो ब्रदर, ये बताइएगा सबसे पहले हमने जाना कहाँ है? सबसे पहले हम लोग जाएंगे दो दरिया। दो दरिया जी। अच्छा, दो दरिया मशहूर किस चीज के लिए, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे जो? कबाब जी। अच्छा जी, और भी काफी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे, और लेकिन नेशनल हाईवे पे बहुत ज्यादा है बनिस्बत कबाब जी के, नहीं बनिस्बत दो दरिया के। अच्छा, तो सबसे पहले हम दो दरिया जाएंगे। दो दरिया। वेरी गुड। कायदाबाद से इस वक्त हम निकले हैं और ये माशाल्लाह ग्रीन पार्क सिटी है, तो यहाँ से अब हम जाएंगे दो दरिया। और माशाल्लाह बहुत अच्छी सोसाइटी है, इस्लामाबाद साफ सुथरा बहुत है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे माहौल थोड़ा सा लाहौर वाला मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। लगी और यहाँ पे माशाल्लाह जनरल स्टोर आप देख रहे हैं, प्यारे छोटे छोटे से जनरल स्टोर हैं, बाइक है वो पानी में। तो दिस इज दो दरिया और ये यहाँ का एक मशहूर रेस्टोरेंट है कबाब जी, लेकिन बंद है इस वक्त क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुलते हैं 5 बजे के बाद, और 5 बजे के बाद 5 बजे ये खुल जाते हैं और फिर रात 1 या 2 बजे यहाँ होते हैं। ये कुलाची है लेकिन ये भी इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। तो ये कराची का समंदर और ये आप देख सकते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट्स, और यहाँ दो दरिया के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। देखिए भैया, आप कराची आते हो ना और आप यहाँ पे बिरयानी नहीं खाते, हलीम नहीं खाते, तो जाती है तो चोरंगी कुरंगी नंबर 6 में आए हैं, और यहाँ पे है रईस, भाई कह रहे कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो डाइट भी हूँ लेकिन आप कराची आते हो और इनकी स्पेशलिटी नहीं खाते, तो मेरे ख्याल ये डाइट के साथ भी जाती है, तो चले आप लोग को लेके जाते हैं। हम घुस तो गए लेकिन यहाँ पे टेबल खाली नहीं है। क्या पे चले, आ जाए आ जाए। तो ये है इनकी ऑफिशियल मेन्यू, कोरमा, कढ़ाई, बारबेक्यू, बिरयानी, पुलाव, रोस्ट आइटम, बीफ चिकन, जिंगर आइटम, अब देख सकते हैं भैया। और ये मशहूर है अपने बीफ चिकन हलीम और बिरयानी पुलाव। बिरयानी एक हलीम और एक पुलाव। और एक पुलाव जब आप यहाँ पे ऑर्डर देते तो आपको यहाँ दीवार पे लिखा होता है कि भाई 15 मिनट तक वेट करना होगा। और यहाँ पे आके मुझे याद आया जद्दा का, जद्दा में इसी किस्म के रेस्टोरेंट होते थे जब मैं वहाँ पे जॉब करता था,
और इसी किस्म का मेन्यू होता था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि ये जगह बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रीट फूड मशहूर है लेकिन प्राइसेस इनके बहुत थोड़े हैं और लोग माशाल्लाह इसी वजह से बहुत ज़्यादा आते भी है। अभी भी देखें लंच का टाइम भी नहीं है लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट में बैठने की जगह है नहीं। तो चल हमने तीन चीज़ों का ऑर्डर दिया है, बिरयानी पुलाव और हलीम। तो जैसे ही आते हैं आप लोगों को दिखाते हैं उनका टेस्ट और प्रेजेंटेशन किस तरह दिखाते हैं। तो खाना आ गया है और इसे फोन करने वाले ट्राई ये देखें। वाकई टेस्ट में जो है बहुत कमाल का टेस्ट है। बहुत सुना था कराची की बिरयानी के हवाले से, बहुत टेस्ट माशाल्लाह बेहतरीन है। और पुलाव भी आने वाला है, वो भी दोस्तों को दिखा टीम को। एंड है भाई एंड, कमाल करते थे हलीम और बिरयानी का पानी है। बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट छोड़ के चले भी यही सफाई का, लेकिन ये पुलाव आ गए आप जिस देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, पुलाव भी ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच भाई। तो पुलाव को ट्राई करने वाले हैं नदीम जान। नदीम जान खाओ, जबरदस्त अच्छा बनाए, बहुत जबरदस्त। अमर